हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से ह्यूमन हार्ट में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कलर थोड़ा अच्छा सा कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। सो लेट्स बिगिन। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है, मतलब जो हमारे हार्ट होता है, उसमें वेना कावा दो होते हैं। एक होता है लोअर बॉडी से, एक होता है अपर बॉडी से। तो दो जो वेना कावा होते हैं वो हमारी बॉडी से पूरा इकट्ठा करके आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 रिच ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है और CO2 ज़्यादा है। तो वो जब वो लेके आते हैं तो वो कहाँ पे लेके जाते हैं? वो राइट एट्रियम में। तो वेना कावा से जो मेरा सामान है, जो भी है, वो जाता है कहाँ पे? राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में जाता है। अब वो राइट एट्रियम में गया, अब राइट एट्रियम से वॉल्व के थ्रू जाएगा वो राइट वेंट्रिकल में। तो देखो, ये था राइट एट्रियम मेरा, ठीक है। यहाँ से मेरा वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। ये पिंक कलर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ये मेरा राइट एट्रियम में चला गया। अब राइट एट्रियम से ये जो वॉल्व है इसके थ्रू ये चला गया मेरा नीचे राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ये राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब ये मेरा यहाँ से तो चला गया, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड मेरा भाग गया। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे होती है एक एक कैपिलरी, एंड इससे यहाँ से जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे? लंग्स में। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स के पास गया। अब लंग्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस दे दिया। अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आया वो पल्मोनरी वेन्स लेके आई। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स लेके आए, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स लेके आई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से चला गया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम में गया, फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला गया, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग कलर से कर लेते हैं। देखो भाई, अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो ये मेरा कुछ इस तरीके से लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला गया और अब वो यहाँ पे ओर्टा के थ्रू, इसे क्या कहते हैं, ओर्टा के थ्रू ये कहाँ चला गया? बाहर। और बाहर ये बॉडी के पास चला गया, बॉडी के सारे सेल्स जिनको भी इसकी ज़रूरत थी उनके पास चला गया, ठीक है। तो ये समझ आया यहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इट्स जस्ट ओके, उसको उल्टा लिख देते हैं कि जैसे लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू मेरा पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर वो लेफ़्ट एट्रियम में गया, फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया, फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया? ओर्टा में गया, फिर ओर्टा से बॉडी सेल्स में गया और फिर बॉडी सेल्स से वीना कावा में आया। तो अब बहुत बच्चे ऐसे उल्टा लिख देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वहाँ पहले लंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया, फिर वो जो है मेरे लेफ़्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया, फिर वो ओर्टा के थ्रू बॉडी सेल्स में गया। अब ओर्टा बॉडी सेल्स में लेके गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेना कावा के थ्रू अंदर आ गया। अब वो राइट एट्रियम में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में आया, फिर वो मेरा किसके थ्रू बाहर आया? ये क्या है? ये है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया। कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया, ठीक है। और फिर लंग्स ने एक्सचेंज करी गैस, फिर से वही सेम चीज़ हुई। तो ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब बहुत बच्चे इसका डायग्राम नहीं बना पाते हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम बहुत अच्छे से। तो इसका डायग्राम बनाना काफ़ी मुश्किल है बट आप बना लोगे। देखो कोई एक जगह लेती हूँ मैं जहाँ पे मैं बना के आपको दिखा सकूँ। एक सेकेंड,
मैं यहाँ पे ये छुपा रही हूँ ताकि मैं बना पाऊँ। आई थिंक इतनी जगह इनफ होगी। तो चलिए अब बनाते हैं अपना हार्ट का डायग्राम। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस तरीके से एक हमें बना देना है हार्ट के नीचे वाला पार्ट। अब इसे क्या करना है, इस तरीके से कुछ ऐसे ये हमें बीच में बना देना है सेप्टम। सेप्टम क्या होता है, जो इन्हें डिवाइड करता है। तो इस तरीके से बना दे, इतना तो इजी बना दिया। अब इसको यहाँ पे ऐसे करा, इधर से भी इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, वॉल्व बना दी। अब ये वॉल्व जो है इधर से मैं लेके गई, ठीक है, ऐसे ही इधर से भी मैं लेके चली गई, और ये थोड़ा सा मैंने ऐसे कर दिया। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैंने इसे ऐसे कर दिया। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वॉल्व था, वॉल्व के थ्रू यहाँ पे मैंने लेफ़्ट एट्रियम बना दिया। कैसे भी बना दो, ज़्यादा इसमें आपको एक्सपर्टीज़ नहीं दिखानी, नंबर मिल जाते हैं। बस लेबलिंग अच्छी होनी चाहिए और डायग्राम थोड़ा समझ आने वाला होना चाहिए। फिर यहाँ से पल्मोनरी वेन बना दो, ठीक है, सॉरी ओर्टा बना दो। अब यहाँ से, और उसके बाद फिर यहाँ से चलो, और यहाँ पे मेरी एक और आ जाएगी, इसे हम क्या कहते हैं, वेना कावा। तो ये वेना कावा आई और ये वेना कावा बंद हो गई, और अब यहाँ से मेरी ये वापस से आई और ये ऐसे हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। आई नो काफ़ी रफ डायग्राम बनाया मैंने, बट इट्स ओके। सो अब यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे एक और बार वॉल्व बना दो। एक वॉल्व बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्व है तो इस तरीके से थोड़ा सा लाइंस बना दो, जो भी वॉल्व वॉल्व है। अब इसकी लेबलिंग कैसे करोगे, ये तो मेरा सेप्टम है, ठीक है, ये मेरा राइट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये मेरा लेफ्ट एट्रियम है, ये मेरा राइट वेंट्रिकल है, ये मेरा लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे है मेरी पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। तो ये मेरी हो गई पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली हो गई पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। उसके अलावा ये क्या हो गया मेरा, ये जो है ये है ओर्टा, और उसके बाद ये जो है मेरा ये है वेना कावा, ठीक है, ये वेना कावा हो गया। तो इस तरीके से कुछ डायग्राम बनेगा। आई नो काफ़ी रफ डायग्राम बनाया मैंने, काफ़ी अजीब सा, बट ठीक है। अभी मैं आपको काम करती हूँ, लेबलिंग हटा के ठीक है, लेबलिंग हटा के कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा आपका। तो ये इस तरीके का डायग्राम आपको बनाना है, एंड आपको इससे इसमें नंबर मिल जाएंगे, मैं बता रही हूँ, इसमें नंबर आपको मिल जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक करेगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय।